मैं ऐसा मानता हूं कि जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो मोदी जी ने गवर्नेंस का जो मॉडल तैयार किया, देखिए गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने 1971 में दिया था, लेकिन गरीबी हट नहीं पाई। गरीबी हटाओ के नारे के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं भी उस समय तैयार हुई, किंतु वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई। मोदी जी की सफलता का राज क्या है? इन सारी योजनाओं को सीधे गरीबों से उन्होंने जोड़ा और हर योजना को गरीबों के मिशन के रूप में उन्होंने डिजाइन किया और गरीबों के लिए महोत्सव के रूप में उसको सेलिब्रेट किया। चाहे घर बनाने की योजना हो, चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, चाहे लोगों को गैस देने की योजना हो, चाहे घर घर इलेक्ट्रिसिटी देने की योजना हो, हर घर जल की योजना हो, आप देखिए हर योजना का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले तो प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं। योजना कभी ऐसे पहले होता था कि प्रधानमंत्री जी घोषित करते थे, नीचे किसी को पता ही नहीं होता था। अब प्रधानमंत्री जी एक समय योजना घोषित करते समय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कम से कम 5 करोड़ लोगों को जोड़ते हैं, तो सीधे 5 करोड़ बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको योजना पता चलती है, तो उस योजना की ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी तैयार होती है और उनका पार्टिसिपेशन भी उसमें बैठता है। तो ये जो एक गवर्नेंस का मॉडल गरीब कल्याण की योजनाओं में मोदी जी ने लाया, हमारी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इस मॉडल के कारण मैं ऐसा मानता हूं कि और मैच्योर हुई है।